आज दो साल से हम लोग मांग कर रहे हैं, डेढ़ साल से, कि सीमांचल में हमारी बस्तियां कटी नहीं है और इस वक्त भी कटाव जारी है वहां पर। लेकिन 2000 लोग विस्थापित हो गए हैं, उसके बावजूद भी सरकार वहां कटाव रोधक काम नहीं करा रही है। हमारे 2000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं, लगभग दर्जनों बस्तियां हमारी कट गई हैं, नदी में विलीन हो गई हैं, सरकारी नदी, सरकारी सड़क, पुल, पुलिया वो ध्वस्त होकर रह गए हैं और वहां पर दर्जनों लोग डूब के मर रहे हैं। पुल पुलियों का भी मामला नहीं हो रहा है और कटावग्रस्त बस्तियों को आज बचाने के लिए ग्राम सुरक्षा में कार्य नहीं कराया जा रहा है, इसलिए हम लोग जेल में बैठे हैं। हम लोग को मार्शल आउट किया गया है, हम लोग का काम जब तक नहीं होगा हम लोग ये पर धरना दिए। सर, आपको पकड़ के लाया गया अंदर से? पकड़ के नहीं गया, मार्शल आउट किया गया मुझको, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कमजोर हूँ इसी वजह से। आपके साथ और आपके लोग नहीं है? दो ही लोग हैं। सुना आपने, AIMIM के विधायक सह प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को मार्शल आउट कर दिया गया, उसके बाद इन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी कि किस मुद्दे को लेकर ये नारेबाजी कर रहे थे। दरअसल विधानसभा से यह बड़ी खबर आई है जहां पर वेल में घुसकर नारेबाजी कर रहे AIM के विधायकों को मार्शल आउट कर दिया गया है। दरअसल विधानसभा में प्रश्न उत्तर काल खत्म होने के बाद AIM के विधायक अख्तरुल ईमान समेत अन्य सदस्य सीमांचल के कई हिस्सों में कटाव को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। स्कूल शेरमारी बाहर करिए, अन्य प्राइवेट स्कूलों द्वारा प्रतिबंध, कॉपी ड्रेस आदि के नाम पर नाजायज मोटी रकम वसूल कर उनका आर्थिक दोहन किया जाता है। मैं सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करता हूँ। चलिए बैठ जाए, बैठ जाए माननीय सदस्य श्री प्रहलाद यादव, नहीं बैठ जाइए सब लोग। अरे एक मिनट प्रहलाद जी, बैठ जाइए सब लोग, बेल में आएंगे, बोलने का मौका नहीं मिलेगा उनको। चलिए अब ले एक आध एक लाइन में बोलिए न्यायिक जांच कराई जाए। महोदय, हम आपके माध्यम से। इस दौरान स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने कई बार उन्हें अपने सीट पर बैठ जाने के लिए कहा, लेकिन हाथों में प्लेक कार्ड लिए जब यह विधायक प्रदर्शन और नारेबाजी करते रहे तो उन्होंने मार्शल आउट करने के आदेश दे दिए। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर सदन के मौजूद मार्शलों ने अख्तरुल ईमान समेत उनके अन्य विधायकों को सदन से बाहर निकाला और उसके बाद आपने सुना ही कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। आप लाइव बिहार के साथ बने रहे, सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।